लखनऊ के मलिहाबाद में शुक्रवार की शाम हुए ट्रिपल मर्डर के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है वो है ललन खान का। ललन खान इस केस का मुख्य आरोपी है। 70 साल के ललन खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर 3 लोगों पर राइफल चला दी। एक महिला, एक 16 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की हत्या करने के बाद ललन खान फरार है। ये हत्याकांड पुश्तैनी जमीन कब्जाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ था। ललन खान लखनऊ का पुराना कुख्यात आरोपी है और वो हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। ललन खान कहाँ है इस हत्याकांड के बाद, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं उसका पुलिस की गिरफ्त में ना होना पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ललन खान पर कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि सूबे की राजधानी में खुलेआम एक हिस्ट्री शीटर 3 लोगों की जान लेकर गायब हो जाता है, लेकिन पुलिस की उस पर कोई निगरानी ही नहीं होती। और जब इतना बड़ा कांड हो जाता है तो पुलिस हाथ पांव मारती रह जाती है, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी ललन खान का कोई अता पता नहीं है। मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था तो ये पुराना लंबित विवाद था, तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई आरोपी शीटर है, कोई आरोपी जो बता रहे ललन, क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बना जाए? इन सब चीजों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है, ये किस तरह से हुआ, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। तो पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, साथ ही तमाम आरोपों की जांच की बात भी पुलिस कह रही है। लेकिन सवाल जस का तस है कि पुलिस आखिर एक हिस्ट्री शीटर के मामले में ऐसी लापरवाही कैसे बरत सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कमिश्नरेट लागू की तो दावा किया गया कि थानेवार अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, निगरानी होगी, लेकिन लखनऊ के मलिहाबाद में 80 के दशक के पुराने हिस्ट्री शीटर ने जिस तरीके से दिन दहाड़े 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और उस हिस्ट्री शीटर पर पुलिस की निगरानी तक नहीं थी। कागजों में पुलिस भले ही कह रही हो कि वो हिस्ट्री शीटर था, हम निगरानी कर रहे थे, लेकिन ललन और सिराज के बारे में मलिहाबाद पुलिस को पता ही नहीं था कि वो रह कहां रहा है, कर क्या रहा है। और अब जब तेहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया तो अब ललन और उसके बेटे की तलाश में लखनऊ पुलिस हाथ पांव मार रही है, लेकिन अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।